नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सत्याग्रह तो इनमें से आ, कौन सा स्टेटमेंट सत्याग्रह के बारे में सही है आंसर इज डी ऑल द अव गांधी जी सक्सेसफुली फॉट अगेंस्ट द रेसिस्ट रेसिसम ऑफ साउथ अफ्रीका विद दिस नोवल मेथड ऑफ मास एजुटेशन गांधी जी ने इस मेथड का सत्याग्रह का इस्तेमाल करते हुए जो रेसिस्ट ट्रिजीम एग्जिस्ट करता था साउथ अफ्रीका में उसके अगेंस्ट फाइट किया इट इम्फिस द पावर ऑफ ट्रूथ एंड दिस नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ तो ये किस पर फोकस करता है ट्रूथ पर सच्चाई पर विदाउट सीकिंग वेंजियंस और बींग अ सत्याग्रही विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस तो बिना बदला लिए या वायलेंस किए हिंसा किए एक सत्याग्रही क्या कर सकता है बैटल को जीत सकता है थ्रू नॉन वायलेंस तो सत्याग्रह एक नोवल मेथड था मास एजुटेशन का जो कि दो पिलर्स पे बेस्ड था ट्रूथ पर और नॉन वायलेंस पर महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट दिस धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस कुट ऑल इंडियंस नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर डिड गांधी जी ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट टू इंस्पायर द पीजेंस टू अ स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम इन 1917 तो हमें वो प्लेस बताना है जहां पर गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया ताकि जो पीजेंट्स हैं वो ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम जो एग्जिस्ट करता था इंडिगो के अगेंस्ट इंडिगो का जो प्लांटेशन सिस्टम था उसके अगेंस्ट स्ट्रगल कर सके से पीजेंटीन सेवनटीन में तो उस जगह का नाम बताना है आंसर इज ए चंपारण इन बिहार तो गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से लौटे उसके बाद हम देखेंगे कि जो फॉलोइंग ईयर्स है वहां पर गांधी जी सत्याग्रह का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे मूवमेंट्स करते हैं तो 1917 में चंपारण बिहार ये जो यहाँ पर तीन काठिया सिस्टम एग्जिस्ट करता था यानी कि थ्री बाई ट्वेंटी ऑफ जो लैंड का हिस्सा था उस पर इंडिगो ग्रो किया जाता था तो इसके अगेंस्ट पीजेंट्स जो हैं उनको इंस्पायर किया गांधी जी ने कि वो स्ट्रगल करे इनके अगेंस्ट और इन्हें कुछ हद तक सक्सेस भी मिला यहाँ पर तो राजकुमार शुक्ला करके एक व्यक्ति थे जिन जो गांधी जी से मिले और गांधी जी को इस सिस्टम के बारे में बताया और ले आए चंपारण में सिमिलरली 1917 गांधी जी ने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में वहां पर भी एक सत्याग्रह किया यहाँ फेलियर हो गया था यानी कि जो अनाज थे वो डिस्ट्रॉय हो गए थे और जो किसान थे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के वो रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे वो चाह रहे थे दे वर डिमांडिंग दैट द रेवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स तो ये था खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात खेड़ा सत्याग्रह 1917 ई बुक्स में आपको मिल जाएगा कि खेड़ा सत्याग्रह 1918 में लिखा हुआ गूगल पे भी 1918 में पर हम यहाँ पर एन को फॉलो कर रहे हैं एन को इसलिए हम डेट कह रहे हैं 1917 फिर आता है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक तो 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद गए यहां पर जो सत्याग्रह मूवमेंट हुआ ये किसके बीच में था तो कॉटन मिल वर्कर्स और जो उसके ओनर्स थे यहाँ पर बोनस जो था मिल ओनर्स जो थे वो बोनस ट्वेंटी दे रहे थे और ये जो वर्कर्स हैं वो डिमांड

तो ये कुछ सत्याग्रह मूवमेंट थे नेक्स्ट क्वेश्चन वेन डिड महात्मा गांधी गो टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अमंगस्ट कॉटन मिल वर्कर्स तो गांधी जी आ, कौन से ईयर में अहमदाबाद गए थे ताकि वहां पे सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया जा सके अमंगस्ट कॉटन मिल वर्कर्स तो ईयर है आंसर इज सी 1918 ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन गांधी जी इन टू लॉन्च नेत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज तो नाइनटीन नाइनटीन में गांधी जी ने एक नेशन वाइड जिसमें पूरा कंट्री शामिल हो ऐसा सत्याग्रह लॉन्च करने का डिसाइड किया तो किस किस लॉ के अगेंस्ट uh, किस लॉ किस एक्ट के अगेंस्ट ये डिसीजन लिया गया था आंसर इज रॉलेट एक्ट तो इस एक्ट के अगेंस्ट गांधी जी ने 1919 में नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च करने का डिसाइड किया ये एग्जाम्पल था फर्स्ट फॉर्म ऑफ मास स्ट्राइक पहली बार इतने ज्यादा लोग इकट्ठा होकर सत्याग्रह करने वाले थे तो ये एग्जाम्पल था फर्स्ट मास स्ट्राइक का तो ये जो एक्ट था इट हैड बीन हरीली पास थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड ऑपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर्स तो इस इसके अंदर क्या था इट गेव गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर्स टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर टू ईयर्स तो इसके अंदर सबसे बड़ी बुराई हम कह सकते हैं ये थी कि इसने गवर्नमेंट को बहुत सारे पावर्स दे दिए थे ताकि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो भी चल रहे थे उनको रिप्रेस किया जा सके और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे मतलब जो हम कह सकते हैं जो रिवोल्यूशनरीज थे जो क्रांतिकारी थे उनको किस उनको डिटेन किया जा रहा था विदाउट ट्रायल और कितनी ईयर्स के लिए फॉर टू ईयर्स तो गान, महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉज विच वुड स्टार्ट विद हड़ताल ऑन सिक्स अप्रैल तो डेट ये याद रखना है कि सिक्स अप्रैल से ये लोग स्टार्ट करने वाले थे विद अ हड़ताल हड़ताल मतलब स्ट्राइक नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन डिड द जलियावाला बाग इंसिडेंट टू प्लेस तो जलियावाला बाग इंसिडेंट जो है वो आ, किस डेट पर होता है आंसर इज बी थर्टीन अप्रैल 1919 तो तेरह अप्रैल 1919 को ये जलिया वाला इंसिडेंट होता है एक्चुअली इस दिन क्या हुआ था अमृतसर पंजाब में आ, कुछ लोग बैसाखी के मेले को अटेंड करने आए थे यहाँ पर पहले से मार्शल लॉ लगा हुआ था और बहुत सारे लोग जो विलेजेस से आए थे उनको इस बारे में पता नहीं था कि शहर में मार्शल लॉ लगा हुआ है और वो बैसाखी के मेले को अटेंड करने आए हुए थे और कुछ ही लोग क्या कर रहे थे उनके पॉपुलर लीडर्स Uh, सैफुद्दीन किचल्यू और डॉक्टर सत्यपाल इनके इनको अरेस्ट कर लिया गया था तो इसके अगेंस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे बैसाखी के फेयर के लिए और पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे तभी जनरल डाय जो है वो कमांड लेता है और क्या करता है कि ऑर्डर देता है कि ओपन फायर कर दो लोगों पर तो ये बहुत ही uh, ब्रूटल इंसिडेंट था जलिया वाला बाग इंसिडेंट जो कि होता है थर्टीन अप्रैल 1919 और आपको अगर कमांडर का नाम पूछा जाए कि कौन कमांडर था इस समय तो नाम याद रखें जनरल डायर थर्टीन मार्च 1914 फोर्टीन uh, मार्च 1940 को सरदार उधम सिंह जब जनरल डायर कॉक्सटन हॉल में किसी मीटिंग को एड्रेस कर रहा था उसी समय उसे किल कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कन्विंस अदर लीडर्स ऑफ द नीड टू स्टार्ट नॉन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज तो हमें वो इंसिडेंट बताना है जब गांधी जी ने बाकी दूसरे लीडर्स को कन्विंस किया कि अभी जरूरत क्या है समय की मांग ये है कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया जाए इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज यानी कि सेल्फ रूल आंसर इज बी एट द कैलकटा सेशन ऑफ कांग्रेस इन सेप्टेम्बर नाइनटीन ट्वेंटी तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कैलकाटा सेशन जो कि सेप्टेम्बर उन्नीस सौ बीस में हुआ था उसका इंपॉर्टेंस क्या था तो गांधी जी ने अदर लीडर्स को कन्विंस किया था नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के लिए तो ये खिलाफत इशू क्या था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो कि नाइनटीन फोर्टीन से नाइनटीन एटीन तक चला उसमें ऑटोमन तर् जो है कंट्री वो हार गई और जो विनिंग पार्टीज़ थी वो जो जो है वहाँ का जो राजा है एम्प्रायर है उसके पावर्स को रिड्यूस कर रहे थे और जो राजा है वो इस्लामिक वर्ल्ड का स्पिरिचुअल हेड माना जाता है जैसे कहते हैं खलीफा तो ये उसके पावर्स को रिड्यूस कर रहे थे इसलिए यहां पे इसका ओपोजिशन होने लगा तो इस इश्यू को देखते हुए गांधी जी को लगा कि इस मौके पर हिंदू मुस्लिम एक हो सकते हैं तो ये था एट द कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस इन सेप्टेम्बर नाइनटीन नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कांग्रेस सेशंस द नॉन कॉरपोरेशन प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड तो इसमें पूछा गया है कि नॉन नौ, नॉन कॉरपोरेशन प्रोग्राम का कौन से सेशन में फॉर्मल डिक्लेरेशन होता है कौन से आ, सेशन में उसे फॉर्मली अनाउंस किया जाता है नॉन कॉरपोरेशन प्रोग्राम को आंसर इज बी एट नागपुर कांग्रेस सेशन इन दिसंबर 1920 तो ये नागपुर कांग्रेस सेशन था दिसंबर 1920 का जिसमें हम कह सकते हैं कि नॉन कॉरपोरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट किया गया फॉर्मली नेक्स्ट क्वेश्चन इन हिस्स फेमस बुक डैश नाइनटीन जीरो नाइन महात्मा गांधी डिक्लेयर दैट ब्रिटिश रूल वॉज इस्टाब्लिश्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस एंड हैड सर्वाइड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोऑपरेशन इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलेप्स विद इन ईयर एंड स्वराज वुड कम तो हमें उस बुक का नाम बताना है जो कि नाइनटीन जीरो नाइन में महात्मा गांधी ने लिखी और उसमें यह डिक्लेयर किया गया है कि भारत में जो ब्रिटिश रूल है वो भारतीयों की मदद से ही इस्टबलिश हुआ है अगर भारत अगर भारतीय लोग इस मदद को रिफ्यूज कर दे तो ब्रिटिश रूल जो है वो एक ही साल में भारत में कोलैप्स कर जाएगा मतलब ब्रिटिश रूल का खत, खत्म हो जाएगा और स्वराज जो है वो आ जाएगा तो वो हमें बुक का नाम बताना है आंसर इस बी, हिंद स्वराज। तो ये हिंद स्वराज है उसमें गांधी जी ने ये बातें कही हैं ये बुक भी गांधी जी की ही है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ और यंग इंडिया एक जर्नल था जो कि गांधी जी ने पब्लिश किया था और न्यू इंडिया ये भी एक तरह का मैगजीन uh, या जर्नल था जिसे एनी बेसेंट ने पब्लिश किया था नेक्स्ट क्वेश्चन द नॉन कॉरपोरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन तो हमें बताना है कि जो नॉन कॉरपोरेशन खिलाफत मूवमेंट था वो शुरुआत कब होता है एक्शन में कब आ जाता है आंसर इज A in January 1921। Next question जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चल रहा था उसमें अवध में आ, को, किसानों को कौन लीड कर रहा था सबके लिए नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के अलग अलग मायने थे हम इसे आगे देखेंगे तो हमें यहाँ पर अवध बताना है जो कि आज प्रेजेंट डे लखनऊ वाला जो इलाका है अवध उसे कहते हैं तो वो बताना है कि वहां पे किसानों को कौन लीड कर रहा था कौन लीडर थे उनके आंसर इज सी बाबा रामचंद्रा बाबा रामचंद्र एक सन्यासी थे जो कि पहले फिजी में थे एज एन इनडेंचर्ड इनडेंचर्ड लेबर द मूवमेंट हेयर वॉज अगेंस्ट तलबदार्स एंड लैंड लॉड्स तो यहाँ पर जो मूवमेंट था नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वो किसके अगेंस्ट था जो बड़े बड़े लैंड लॉड्स और किसान आ, बड़े बड़े किसान जो हैं उनके अगेंस्ट था जो कि पीजन से बहुत ही ज़्यादा हाई रेंट वसूल कर रहे थे द पीजन मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रिवेन्यू अबोल्यूशन ऑफ बेगार एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेशन लैंड लॉड्स तो इस मूवमेंट में डिमांड्स क्या क्या थे जो रेवे है जो टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है उसे कम किया जाए बेगार यानी कि जो फोर्स लेबर है बंधुआ मजदूरी जो है उसे खत्म किया जाए एंड सोशल बॉयकॉट सोशल सोसाइटी में भी जो बॉयकॉट है ऑपरेश लैंड लॉड्स का इनका बॉयकॉट किया जाए तो इसके लिए देखिए इन मेनी प्लेसेज नाई धोबी बंस बंस वर ऑर्गेनाइज बाई पंचायत डिप्राइव लैंड लॉर्ड्स ऑफ द सर्विसज ऑफ इवन बाबर्स एंड वॉशरमैन तो नाई जो कि बार्बर होते हैं धोबी जो कि वॉशरमैन होते हैं इनकी सर्विसेज भी लोगों ने ऑपरेसिव लैंडर्ड्स को देना बंद कर दिया नेक्स्ट क्वेश्चन बाय अक्टूबर 1920 द डैश वाज सेट अप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू बाबा रामचंद्र एंड अ फ्यू अदर्स तो अक्टूबर 1920 तक हमें वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जिसे सेट किया गया था जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र और फ्यू अदर लीडर्स के द्वारा स अटेंट गुरूमेंट स्प्रेड इन द अर्ली नाइनटीन ट्वेंटी इन द गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश तो गुडेम हिल्स जो की आंध्र प्रदेश में है वहां पर एक मिलिटेंट गुरुला मूवमेंट स्प्रेड हो गया था नाइनटीन ट्वेंटीज में तो गुरिल्ला मूवमेंट क्या होता है ये एक वॉरफेयर का तरीका है जिसमें डायरेक्ट ओपन में आके फाइट नहीं किया जाता हिल्स के पीछे छुप कर लड़ा जाता है तो ये एक तरह का मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट है जो कि हिल्स में स्प्रेड हुआ था आंध्र प्रदेश में हमें यहां पर बताना है कि इन पीजेंस को इन किसानों को कौन लीड कर रहा था आंसर इज सी अलूरी सीताराम राजू तो ये नाम आप याद रखें बाबर रामचंद्र को याद रखना है अवध में और आंध्र प्रदेश में याद रखना है अलूरी सीताराम राजू को नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर विच एक्ट द प्लांटेशन वर्कर्स वुड नॉट परमिटेड टू लीव टी गार्डन्स विदाउट परमिशन इन असम सो हमें बताना है कि वो कौन सा एक्ट था जिसके तहत जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं जो कि प्लांटेशन में काम करते थे उन्हें टी गार्डन लीव करने की इजाज़त नहीं मिली थी असम में विदाउट परमिशन और उन्हें रेयरली ऐसे परमिशन दिए जाते हैं तो इनके लिए स्वराज का मतलब ये था कि जब ये फ्रीली मूव इन एंड आउट कर सके और अपने विलेजेस जा सके तो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट मायने थे नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के और मीनिंग थे स्वराज के तो हमें यहाँ पर उस एक्ट का नाम बताना है जिसके अंदर इन्हें परमिशन uh, लेना पड़ता था आंसर इज डी इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट्स गांधी जी टू विद्रॉ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट तो इनमें से वो कौन सा इंसिडेंट था जिस, जिसके वजह से गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को विद्रॉ कर लिया यानी कि वापस ले लिया रोक लगा दिया आंसर इज ए चौरी चौरा इंसिडेंट चौरी चौरा एक विलेज है Uh, गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में वहाँ पर अ पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन इन अ बाजार टर्न्ड इनटू टू वॉयेंट क्लैश विद द पुलिस वहाँ पे जो पुलिस स्टेशन था उसको फायर वायर लगा दिया गया था और बहुत ही वॉयेंट इंसिडेंट हो गया इतना वॉयलेंस हुआ कि गांधी जी ने uh, ये देखते हुए क्योंकि गांधी जी वॉयेंस के अगेंस्ट थे देखते हुए क्या क्या इन्होंने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को रोक दिया सो so ये कब होता है इन फेबर नाइनटीन ट्वेंटी फाइव फेब नाइनटीन ट्वेंटी टू नेक्स्ट क्वेश्चन हु फॉर्म द स्वराज पार्टी तो स्वराज पार्टी का निर्माण फॉर्मेशन किसने किया आंसर इज डी सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू सीरा मोतीलाल नेहरू फॉर्मड स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस टू आर यू फॉर रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स तो एक्चुअली क्या हो रहा था ये सब जो मूवमेंट चल रहे थे नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट उसमें जो काउंसिल इलेक्शन uh, होने वाले थे इन सभी को बॉयकआउट किया जा रहा था पर कांग्रेस के ही अंदर ये जो लीडर्स uh, हैं सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू इन्होंने स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किया विद इन कांग्रेस क्योंकि ये चाह रहे थे कि काउंसिल पॉलिटिक्स जो है वहाँ रिटर्न किया जाए इन्हें लगता था कि हम काउंसिल्स में एंटर होकर ही कुछ सिस्टम में बदलाव करेंगे इसीलिए सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म स्वराज पार्टी

तो इसका फॉर्मेशन 1927 में हुआ और ये अराइव यानी कि भारत में कब आती है 1928 में द न्यू टोरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्टेटुटरी कमीशन अंडर सर जॉन साइमन तो टोरी गवर्नमेंट थी उस समय अगर पूछा जाए कि साइमन कमीशन जब भारत में आई तो ब्रिटेन में किसकी सरकार थी तो इट वॉज़ टोरी गवर्नमेंट और इसने क्या कॉन्स्टिट्यूट किया अ स्टैटुटरी कमीशन देखिए एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और एक होती है स्टैटुटरी बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब है जिसे लॉ के थ्रू फॉर्म किया जाए ठीक है तो इसे फॉर्म किया गया था एक नया कानून बनाकर अंडर सर जॉन साइमन किसके अंडर सर जॉन साइमन सेटअप इन रिस्पांस टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट द कमीशन वाज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस तो ये क्यों आ रही थी जो भारत में जो फंक्शनिंग uh, है कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के अंदर जो सिस्टम चल रहा था उसके फंक्शनिंग को देखने के लिए और उसमें क्या बदलाव करने हैं ये सजेस्ट करने के लिए आ रही थी प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था सभी वाइट थे दे वर ऑल ब्रिटिश इसलिए हमारे ही कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शनिंग को देखने आ रहे हैं और इसमें एक भी मेंबर इंडियन नहीं है इसलिए इसे अपोज किया जाने लगा जब साइमन कमीशन भारत में नाइनटीन में आई तो इसे कौन से स्लोगन से ग्रेट किया गया ग्रीट किया गया गो बैक साइमन ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन द डिमॉन्स्ट्रेशन तो इसमें बहुत सारे uh, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और लाठी चार्ज हुआ एक ऐसे ही प्रोटेस्ट में लाला लाजपत राय शेरी पंजाब शामिल थे जहां पर पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज की और वो बहुत बुरी तरह से घायल हो गए एंड लेटर ही इज कम टू हिज इंजरीज नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस इन दिसंबर 1929 तो हमें बताना है कि जो लाहौर सेशन था कांग्रेस का 1929 का दिसंबर में उसके प्रेसिडेंट कौन थे उसके अध्यक्ष कौन थे आंसर इज टी जवाहरलाल नेहरू तो जवाहरलाल नेहरू प्रिसाइडेड द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस इन दिसंबर 1929 इसका इम्पोर्टेंस भी बहुत है तो अगर पूछा जाए कि ये इम्पोर्टेंट क्यों था इतना कांग्रेस सेशन लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1929, बिकॉज इसमें जो डिमांड थी पूर्ण स्वराज की और कंप्लीट इंडिपेंडेंस और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया इसको फॉर्मलाइज किया गया इससे पहले डोमिनियन स्टेटस की बातें चल रही थी मतलब इंडिया में गवर्नमेंट तो सेल्फ गवर्नमेंट तो होगी लेकिन वो किसके अंदर होगी ब्रिटिश के एक तरह से रिप्रजेंटेटिव गवर्नमेंट पर इसमें ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि लाहौर सेशन में पहली बार जो डिमांड है पूर्ण स्वराज यानी कि कम्प्लीट इंडिपेंडेंट इसे फॉर्मलाइज़ किया गया ट वॉज डिक्लेयर दैट ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन थर्टी वुड बी सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे वेन पीपल वो टेक अच टू स्ट्रगल फॉर कम्प्लीट इंडिपेंडेंस तो छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ तीस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है और इसी के याद में हम रिपब्लिक डे भी मनाते हैं यहाँ पर रावी नदी जो है उसके बैंक्स पर एक फ्लाग को भी होस्ट किया गया था और ये डेट तय किया जा किया गया था कि ये जो डे है ये इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाएगा और इसी के याद में हम रिपब्लिक डे बनाते हैं मनाते हैं ट्वेंटी सिक्स जनवरी को नेक्स्ट क्वेश्चन महात्मा गांधी इन डैश अ नेशन तो हमें उस ऑब्जेक्ट का नाम बताना है जिसमें महात्मा गांधी को लगा कि एक पावरफुल सिंबल हो सकता है पूरे नेशन को जोड़ने के लिए आंसर इज ए सॉल्ट नमक ये सॉल्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट था जो कि हर कोई यूज करता था और इस पर टैक्स लगाना ये बहुत ही ब्रूटल चेहरा था ब्रिटिश रूल का तो इसी को देखेंगे हम आगे कैसे इसको इस लॉ को वायलेट करेंगे गांधी जी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन थर्टी फर्स्ट जनवरी नाइनटीन थर्टी गांधी जी सेंट अ लेटर टू वाई इरविन स्टेटिंग डैश डिमांड्स तो हमें यहां पर बताना है कि महात्मा गांधी जी ने जो वाई इरविन को चिट्ठी लिखी थी थर्टी फर्स्ट जनवरी नाइनटीन थर्टी को उसमें उन्होंने कितने डिमांड्स रखे थे आंसर इज बी इलेवन डिमांड्स कुछ ग्यारह डिमांड्स थे उसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे जो कि आपकी बुक में नहीं दिया है इसलिए उसे उतना डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे इसमें था कि कुछ पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जिन्हें अरेस्ट किया गया है उन्हें छोड़ दिया जाए और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिमांड्स थे नेक्स्ट क्वेश्चन एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिट गांधी जी मेक सोल्ट आउट ऑफ सी वाटर तो हमें बताना है कि इनमें से वो कौन सा प्लेस है जहां पर गांधी जी ने समुद्र के पानी से सॉल्ट बनाया Answer is D, Dandi. देखिए जो लेटर लिखा था महात्मा गांधी ने वाइस राय इरविन को जिसमें उन्होंने एलेवन डिमांड्स रखे थे ये एक तरह से एक अल्टीमेटम था कि अगर उस उस लेटर के डिमांड्स को 11 मार्च तक फुलफिल नहीं किया गया तो जो कांग्रेस है वो सिविल डिस दिसो, मूवमेंट लॉन्च करेगी पर इरविन जो है ही वॉज अनविलिंग टू नेगोशिएट वो बातचीत करने के मूड में नहीं था सो महात्मा गांधी स्टार्टेड इज फेमस सॉल्ट मार्च तो ग्यारह मार्च तक जो अल्टीमेटम मिला था उसके बाद बारह मार्च को हम देखेंगे कि सॉल्ट मार्च स्टार्ट हो जाता है डांडी मार्च तो महात्मा गांधी कहाँ से स्टार्ट करते हैं इनका जो आश्रम था साबरमती आश्रम और गुजराती कोस्टल टाउन ऑफ डांडी साबरमती आश्रम से ये लोग डांडी गए इनके साथ सेवेंटी एट ऑफिस ट्रस्टेड वॉलंटियर्स भी थे और ये मार्च दो सौ चालीस मील लंबा था द वॉलटियर्स वॉक फॉर ट्वेंटी फोर डेज अबाउट टेन माइल्स अ डे एंड ऑन सिक्स अप्रिल हिरीज डांडी तो छह अप्रैल को गांधी जी जो है डांडी पहुंच गए और वहां पे सिरमोनेली वॉयलेटेड द लॉ बाय मैन्युफैक्चरिंग सोल्ट बायलिंग बॉयलिंग सी वॉटर दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट तो ये सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट की शुरुआत भी थी नेक्स्ट क्वेश्चन महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट एंड इंटर्ड इन टू अ पैक्ट विद इरविन ऑन डैश तो महात्मा गांधी जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था उसको फिर डिसाइड करते हैं कि अब इस मूवमेंट को रोका जाए और वो इरविन uh, के साथ एक पैक्ट करते हैं जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है तो हमें यह बताना है कि ये पैक्ट किस दिन होता है गांधी इरविन पैक्ट किस दिन होता है आंसर इज फाइव तो हुआ और आपको याद होगा ही कि गांधी फरवरी उन्नीस सौ बाईस को फाइव फेब नाइनटीन ट्वेंटी टू चौरा चौरी इंसिडेंट होने के चौरी चौरा इंसिडेंट होने की वजह से और सिविल डिसोबिड का जो फर्स्ट फेज था उसे कब रोका गया तो पांच मार्च नाइनटीन थर्टी

एंड द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एफ आई सी सी आई नाइनटीन ट्वेंटी सेवन लेड बाई प्रोमिनंट इंडस्ट्रियलिस्ट उस समय के प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट कौन कौन से थे तो पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास एंड जी डी बिरला ये सारे द इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक्ट कोलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनमी एंड सपोर्टेड द सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट तो ये कुछ फेमस बिजनेसमैन है जिनका नाम दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन महात्मा गांधी कॉल द अनटचेबल्स तो महात्मा गांधी ने अनटचेबल्स को कौन सा नाम दिया आंसर इज बी हरिजन हरिजन और चिल्ड्रन ऑफ गॉड हरि मतलब भगवान और जन मतलब लोग तो हरि के अः uh, मतलब चिल्ड्रन ऑफ गॉड जो है उन्हें अनटचेबल्स को ये नाम दिया गया हरिजन नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हु ऑर्गेनाइज द द दलित इन टू द डे इन नाइनटीन थर्टी क्लैश्ड विद महात्मा गांधी एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाई डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरिएट्स फॉर दलित्स तो हमें यहाँ पर बताना है कि बी आर अम्बेडकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलित को कौन से ग्रुप में ऑर्गेनाइज uh, किया गया ऑर्गेनाइज किया था उन्नीस सौ तीस में और एक तरह से हम कह सकते हैं कि ही क्लास्ट विद महात्मा गांधी एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट गांधी जी इसके अगेंस्ट थे गांधी जी नहीं चाह रहे थे कि फर्दर कॉमनलिज्म uh, जो है उसको बढ़ावा मिले सेपरेट इलेक्टोरेट को दे देकर ये जो ब्रिटिश uh, थे वो एक तरह से डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे तो गांधी जी को लगा कि ये फर्दर डिवाइड करेगा लोगों को इसलिए वे इसके अगेंस्ट थे और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को लग रहा था कि ये इनके बिटरमेंट के लिए अगर अपलिफ्ट करना है लोगों को तो उन्हें रिप्रेजेंटेशन देना होगा और इसलिए वो सेपरेट इलेक्टोरिए डिमांड कर रहे थे तो हमें वो एसोसिएशन का नाम बताना है जिसमें बी आर अम्बेडकर ने दलित को ऑर्गेनाइज किया आंसर इज बी डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन

यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैसे अंबेडकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने डिमांड रखा सेपरेट इलेक्ट्रोरेश का तो ये सुनकर गांधी जी को इसके अगेंस्ट से गांधी जी तो उन्होंने भूख हड़ताल पर वो बैठ गए अ फास्ट ऑन टू डेथ गांधी जी को लगता था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित जो है वो जो नेशनल इंटीग्रेशन की हम बात कर रहे हैं उनकी सोसाइटी में इस प्रोसेस को स्लो डाउन करेगा और फाइनली अंबेडकर डॉक्टर अंबेडकर मान गए गांधी जी की बात को और रिजल्ट हुआ पूना पैक्ट तो पूना पैक्ट किसके बीच हुआ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में इसके अंदर पूना पैक्ट सेप्टेम्बर नाइनटीन थर्टी टू इसके अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट्स तो नहीं पर रिजर्व सीट्स रिजर्व सीट्स दिए जाने थे प्रोविंशियल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग पैक्ट्स प्रोवाइडेड विच आर द फॉलोइंग पैक्ट प्रोवाइडेड द डिप्रस्ड क्लासेज रिजर्व सीट्स इन प्रोवेंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल तो हमें वो पैक्ट के बारे में बताना है जिसने डिप्रेस्ड क्लासेस को रिजर्व सीट्स प्रोवाइड की इन प्रोवेंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स तो अभी हमने ये डिस्कस किया है आंसर इज बी पूना पैक्ट सेप्टेम्बर नाइनटीन थर्टी टू बिटवीन बी आर अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी तो अगेन द आंसर इज ऑप्शन बी पूना पैक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग लेट द सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट इन पेशावर तो पेशावर में किसने सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट को लीड किया आंसर इज ए अब्दुल गफर खान अब्दुल गफर खान को फ्रांटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है ये जो पिक्चर है ये रिलेटेड नहीं है ये गांधी जी हैं ये जवाहरलाल नेहरू हैं और ये मौलाना आजाद हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हु रोट वंदे मातरम एज हाइम टू द मदरलैंड इन एटीन तो वंदे मातरम किसने लिखा भजन के रूप में भजन टू द मदरलैंड इन एटीन सेवेंटीज आंसर इज डी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय तो बंकिम चंद्र चैटोपाध्याय ने वंदे मातरम ये लिखा जो आज हमारा नेशनल सॉन्ग भी है लेटर इट वॉज इंक्लूडेड इन हिज नोवेल अनंद मठ तो अनंद मठ जो नोवेल है वो किसकी है तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की एंड इट वॉज वाइडली सांग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल तो वंदे मातरम तो ये पिक्चर जो है ये बाल गंगाधर तिलक की है नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया केम टू बी विजुअली एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता द इमेज वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय तो हमें बताना है कि भारत माता की जो इमेज है उसे पहली बार किसने क्रिएट किया था आंसर इज सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने तो पहला जो आ, इमेज है भारत माता का फर्स्ट इमेज उसे क्रिएट करने वाले थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बाद में एक बहुत ही फेमस पेंटिंग बाय अभिनद्र नाथ टैगोर जिसमें भारत माता को पोर्ट्रे किया गया है एज एन एसेटिक यानी कि तपस्वी के फॉर्म में आप देखिए इस फॉर्म में ये वाली जो पेंटिंग है इसे किया है ये बहुत ही फेमस है इसे अभिनेंद्र नाथ टैगोर ने मूव बाय स्वदेशी मूवमेंट पेंट किया था इन दिस पेंटिंग भारत माता इज पोर्ट्रेट एज एन एसेटिक फिगर शी इज काम कम्पोज डिवाइन एंड स्परिचुअल

तो ये इमेज भी ओबनेन्द्रनाथ टैगोर ने पेंट किया है इसमें आप कंप्लीट अपोजिट को देखेंगे मा, भारत माता को अपोजिट फॉर्म में देखेंगे वहां पे वो डिवाइन स्पिरिचुअल फॉर्म में थी यहां पर स्ट्रेंथ पावर को शो किया जा रहा है इस पिक्चर के थ्रू तो फर्स्ट पेंटिंग भारत माता की बंकिम चंद्र चैटो भात्याय और बाद में जो फेमस पेंटिंग्स हैं बहुत सारे आर्टिस्ट थे लेकिन फेमस में ओबनेन्द्रनाथ टैगोर का नाम याद रखें नेक्स्ट क्वेश्चन हु पब्लिस्ड अ मैसिव फोर वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल्स दोर ऑफ सदर इंडिया इन मद्रास हमें बताना है कि वो कौन से थे जिन्होंने एक मैसेव फोर वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स फोक टेल्स लोग कथाएं की एक कलेक्शन फोर वॉल्यूम वाले कलेक्शन को किसने पब्लिश किया था जिसका नाम था द फोकोर ऑफ सदर्न इंडिया इन मद्रास आंसर इज बी ना शास्त्री नतीशा शास्त्री बिलीव्ड दैट द फोकलोर वॉज नेशनल लिटरेचर इट वॉज द मोस्ट ट्रस्ट फॉर द मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल्स रियल थाट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन बाई नाइनटीन टवेंटी वन गांधी जी है डिजाइन द स्वराज फ्लैग वट व इट्स फीचर तो उन्नीस सौ इक्कीस तक गांधी जी ने एक स्वराज फ्लैग को डिजाइन किया गया था हमें बताना है कि इसके फीचर्स क्या क्या थे आंसर इज डी इट वॉज अ ट्राई कलर रेड ग्रीन एंड व्हाइट एंड हैड स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर एक चरका था ट्राई कलर तिरंगा फ्लैग था ये जिसमें रेड ग्रीन और वाइट कलर थे बीच में सेंटर में चरखा था रिप्रेजेंटिंग द गांधी आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प और हम देखेंगे की ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल एक ट्राई कलर फ्लैग और बना था रेड ग्रीन एंड येलो इस ये भी तिरंगा था और इसमें कौन कौन से कलर्स थे रेड ग्रीन एंड येलो इट हैड एट लोटसेस इसमें इसके फीचर्स में आ जाएगा कि इसमें आठ लोटस थे रिप्रेजेंटिंग द एट प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड हैड असेंट मून रिप्रेजेंटिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम तो अगर पूछा जाए कि स्वदेशी मूवमेंट के दौरान जो ट्राईकुलर फ्लैग बनाया गया था तो उसके फीचर्स क्या थे तो ये दो लाइन और गांधी जी ने जो स्वराज फ्लैग डिजाइन किया था उसके फीचर ये हैं

रिजोल्यूशन पास किया गया था जिसमें डिमांड क्या रखी गई थी कि इमीडिएट तुरंत पावर का ट्रांसफर इंडियंस को दिया जाए और अंग्रेज जो है भारत छोड़ दे सो आंसर इज़ ए क्विट इंडिया रिजोल्यूशन तो अगर पूछा जाए कि क्विट इंडिया रिजोल्यूशन इसे कौन से मीटिंग uh, में पास किया गया था तो, तो वर्धा मीटिंग फोर्टीनथ जुलाई नाइनटीन On 8 August 1842 in Bombay, the All India Congress Committee endorsed the resolution which called for a non-violent mass struggle on the widest possible scale throughout the country. So Hamkayang passing to Vardha meeting 14 July 1942 or endorsed Kapkya to 8 August 1942 in Bombay. It was on this occasion, it was on this occasion that Gandhi Ji delivered the famous do or die speech. Next question at the Lahore session of Congress. इन डिसम्बर नाइनटीन ट्वेंटी नाइन अडोप्टेड द डिमांड फॉर सो जो लाहौर सेशन था कांग्रेस का जो कि में हुआ था की uh, जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू तो हमें बताना है कि उस सेशन में क्या डिमांड रखा गया था आंसर इज डी पूर्ण स्वराज तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन हु डिजाइन द स्वराज फ्लैग तो स्वराज फ्लैग को किसने डिजाइन किया आंसर इज सी महात्मा गांधी इसे भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं तो यहाँ पे कुछ फेमस पर्सनालिटीज हैं जनरल नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं तो बी एन राव जो है ही द लीगल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वॉज द कैलीग्राफर ऑफ द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन so, कैलीग्राफर कैलीग्राफी जो की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे जो लिखा गया है वो किसने लिखा है तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा है इन्होंने ओरिजिनल लिखा है इटालिक स्टाइल में नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग तो ये इसे हमें मैच करना है जो इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है और इनका डेट तो तो का फॉर्मल डिक्लेरेशन होता है नागपुर सेशन, नागपुर सेशन of Congress में 1920 so B. फिर civil disobedience movement स्टार्ट हो गया था डांडी मार्च के साथ 1930 फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब होता है नाइनटीन में और क्विट इंडिया मूवमेंट नाइनटीन में होता है सो आंसर इज डी बी सी डी ए बी सी डी ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग तो पे और उनके मीनिंग्स को मैच करना है पहला वर्ड है फोर्स रिक्रूटमेंट यानी कि जबरदस्ती लोगों को नियुक्त करना भर्ती करना आर्मी में सो so, इसका मैच होगा अ प्रोसेस बाई विच दलोनियल स्टेट फोर्स पीपल टू ज्वाइन द आर्मी बॉयकॉट इसका मैच होगा हाँ द रिफ्यूजल टू डील एंड असोसिएट विथ पीपल और पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज और बाय थिंग पिकेट पिकेट का मतलब होगा अ फॉर्म ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट बाई विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस टू अफ फैक्ट्री और ऑफिस तो हमने ये सुनाया ना कि जो वुमेन थे और जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो लोग लिखकर शॉप को पिकट करते थे यानी कि उसको रोक देना वहाँ पे एंट्री को उसके ब्लॉक कर देना उस जगह को

एक मीटिंग में किया गया था और वो मीटिंग कहां होती है आंसर इज ए फिरोज शाह कोटला ग्राउंड इन दिल्ली तो फिरोज शाह कोटला ग्राउंड जो कि दिल्ली में है वहां पर मीटिंग में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का फॉर्मेशन होगा अमंगस्ट लीडर्स वर भगत सिंह जतिन दास एंड अजय घोष तो यहाँ पर ये यह बॉक्स को आप जरूर पढ़ें अगर आप और जानना चाहते हैं आ, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बारे में कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ 1928 में में एक मीटिंग शाह कोटला ग्राउंड इन डेली और इसके लीडर्स थे भगत सिंह जतिन दास एंड अजोय घोष तो देखिए जो एच एस आर एट टारगेटेड ऑफ ब्रिटिश पावर इन अप्रैल 1929 भगत सिंह और बटुकेश्वर द्री वो बॉम्ब इन द लेजिस्लेटिव असेंबली और इनका नारा क्या था इनकलाब जिंदाबाद तो ये है नेक्स्ट तो क्वेश्चन में new change चाहते हैं। तो के अंदर ये जो radical group था, वो उनके कौन-कौन कौन थे? थे कर रहे थे उसे? जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस तो ये यंग जनरेशन थे इस समय जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस की और ये रेडिकल ग्रुप को लीड कर रहे थे कांग्रेस में नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज एम आर जयकर कौन थे आंसर इज अ मेंबर ऑफ हिंदू महासभा सो आंसर इज डी अम्बर ऑफ हिंदू महासभा तो हिंदू महासभा के एक मेंबर थे एम आर जयकर ही स्ट्रांगली अपोज द एफर्ट्स ऑफ द कॉम्प्रोमाइज ड्यूरिंग ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन नाइनटीन टवेंटी एट नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग तो यहां पर भी हमें जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं और उनसे रिलेटेड फैक्ट हैं उसे मैच करना है फर्स्ट इज मोहम्मद अली जिन्ना तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है मुस्लिम लीग से रिलेटेड है सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू हमें पता है स्वराज पार्टी इन्होंने फॉर्म किया था दास एंड मोतीलाल नेहरू भगत सिंह जतिन दास एंड अजोय घोष आर रिलेटेड टू हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी एच पार्टी एंड डॉक्टर बी आर अंबेडकर डॉक्टर बी आर अंबेडकर ऑर्गेनाइज दलितिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन सो आंसर इज आंसर इज ए सी डी बी ए नेक्स्ट क्वेश्चन अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट वॉज तो सिविल डिसोबिडियंस जो मूवमेंट था उसका एक अनदर इंपॉर्टेंट फीचर क्या था आंसर इज ए लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन तो औरतों का इसमें बहुत ही बड़ा पार्टिसिपेशन देखने को मिला था तो यहाँ पर एक तरह से जितने भी वन मार्क के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को नोट डाउन किया गया है इस वीडियो पे बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी इंफॉर्मेशन दिया गया है बोला गया है तो उन सबको आपको याद करने की जरूरत नहीं है जो आपके बुक में है जो वन मार्क में पूछे जा सकते हैं उन सबको लिस्ट डाउन किया गया है तो आप इन सबको जरूर एक बार पढ़ लें ये नोट और समरी के फॉर्म में दिया गया है सो so, ये इन सबको आप आ, अच्छे से पढ़ लें सारे इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को डाला गया है सो इन दिस वे वी डिस्कस सम इंपॉर्टेंटेंटेंटेंटेंट एमसीिक्यूज और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ सोल्यूशन ऑफ क्लास टेंथ हिस्ट्रीज चप्टर सेकंड विच इज नेशनलिज्म इन इंडिया तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स